दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है। त्योंथर तहसील क्षेत्र के 3 गांव सुहागी, पूर्वा और मझगवा को प्रशासन के द्वारा डायमंड ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके लिए 10 मई से ई टेंडर शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा क्षेत्र के चिन्हित हुए 3 गांव में हीरे की तलाश की जाएगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 साल पहले रीवा में हीरे की तलाश करते हुए सर्वे कराया गया था कि किन स्थानों पर हीरे होने की संभावना हो सकती है, जिसमें अब सर्वे के आधार पर जिले के सुहागी, मझगवा और पूर्वा गांव को चिन्हित किया गया है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती वर्ष 1967 में रिलीज हुई मनोज कुमार अभिनीत फिल्म उपकार के इस गीत ने देश की माटी का जो बखान किया है, उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी देश की मिट्टी सोने से कम नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि देश के कण कण में शंकर बसते हैं, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदान है, जहां पन्ना की मिट्टी हीरा उगल रही है। और इसी क्रम में अब प्रशासनिक अमले के द्वारा रीवा जिले को भी डायमंड ब्लॉक चिन्हित किया गया है, जिसके तहत रीवा के त्योंथर तहसील क्षेत्र के 3 गांव सुहागी, मझगवा और पूर्वा को डायमंड ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया गया है, जिससे अब इन गांवों की जमीनों में हीरे को खोजने की कवायद होगी। बताया जा रहा है कि रीवा की जमीनों में हीरे को तलाशने बड़ी बड़ी कतार बंद होकर कंपनियां खड़ी हुई हैं। आगामी 10 मई से ई टेंडर जारी होंगे। रीवा कलेक्टर की माने तो ई टेंडर के माध्यम से कंपनियों के द्वारा ये सिद्ध किया जाएगा कि रीवा में हीरे की खोज करने के लिए कौन सी कंपनी लायक है। दरअसल प्रशासनिक अमले के द्वारा 1 साल पहले ही रीवा जिले के तराई क्षेत्र में डायमंड की तलाश को लेकर सर्वे कराया गया था, जिसमें पाया गया कि रीवा की कुछ चिन्हित भूमियां ऐसी भी हैं जहां हीरे होने की संभावना है। अब इसको ध्यान में रखते हुए रीवा जिले को डायमंड ब्लॉक चिन्हित किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि त्योंथर के सुहागी, मझगवा इलाके में के 3 गाँवों में इसकी संभावना है कि वहाँ डायमंड हो सकता है, और इसलिए वहाँ पे उत्खनन करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। और टेंडर के बाद जो भी कंपनियाँ इसमें आएंगी, उसके बाद फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके आ जाने से उस क्षेत्र के विकास में नई सुविधाएं डेवलप होगी। पूर्व में सर्वे कराया गया था, और जब भी संभावनाएँ रहती हैं तो उसके टेक्निकल सर्वे कराए जाने के बाद अगर संभावना होती है तब फिर इस तरह के कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए टेंडर जारी किया जाता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ये सर्वे पहले कराए गए थे, और इसकी संभावना को देखते हुए इस तरह का टेंडर किया गया है।